का राज आता जयपुर में है। इससे पहले भी दो तीन बार उन्होंने राजस्थान में आने की कोशिश करी लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एसजीएससी का मुद्दा क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तो राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही या जयपुर में आना ही कितना बड़ा अपराध है दलितों के लिए? और इस बात को मैं छठी बार आया हूँ, पाँच बार वापिस कर दिया। ये सरकार का जो रवैया है, जो कार्रवाई है, उसको देख के ऐसा लगता है कि सरकार एससी और एसटी के जो लोग, जो एक बहुत बड़ा समाज है जिनकी वोट से सरकार बनी है, ये उनके प्रति जो है लापरवाह है और उनके मुद्दों को जो है वो इग्नोर करने का काम करती है। मैंने कई सारे इशू ऐसे देखे, जैसे जितने मेघवाल की हत्या का मामला है, जैसे हर्षाधिपति वाल्मीकि जो है एक अधिकारी बिजली विभाग में जिनके साथ मारपीट हुई, जिनका एक मामला जो है इंद्र मेघवाल का जो मट्टी पर कितना बड़ा मामला है, तो वहाँ सत्ता और विपक्ष यानी कि भाजपा और कांग्रेस एक जैसी हो जाती है। भाजपा का जो आरएसएस का जो एक यहाँ पत्रिका जारी होती है पाठ्यकरण, उसमें लिखा हुआ है कि झूठा मटका कांड, तो मैं समझता हूँ कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि भाई वो कौन होते हैं ये कहने वाले, अभी तो जांच चल रही है। उसके बाद पंचायतें होती हैं, हमारी मांग है कि सरकार इन वर्गों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें कानून बनाए कि जो इन पर हिंसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी, और जो SC ST एक्ट है उसका अनुपालन करें कि इन पर वर्गों पर अत्याचार करने वालों को तत्काल जो है जो सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी हो। 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अभी तक चुके हुए, वो वापस नहीं लिए गए। ये जो अन्याय है, ये अन्याय बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, इसलिए सरकार का जो रवैया है वो आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए न्याय यात्रा हमारे यहाँ से होगी 15 सितम्बर से लेकर 23 सितम्बर तक पहला पेज। आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही अत्याचार होते हैं, अब क्या होगा आपकी खुद की पार्टी है विधानसभा चुनाव? इनसे जनता का भरोसा, जो समुदाय जिस समुदाय से हम आते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी का समुदाय, उनका भरोसा इन दोनों सरकार से उठ गया है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पे जो है यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उसके लिए अब हम न्याय यात्रा और बड़ी बड़ी रैलियाँ करके सरकार और पिछली सरकारों जो अन्याय हुआ है और हम उसमें कितना बेहतर जो है उनके लिए कर सकते हैं, और हमारे हमें अवसर मिलने पे अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से जड़ से खत्म हो जाएगा, ये बात संदेश जो है आम आदमी तक पहुँच भी गया। और बाकी हम इसको पहुँचाने के लिए अब न्याय यात्रा और रैलियाँ करके अपने राजनीतिक आंदोलन का मजबूत करेंगे। परफॉर्मेंस अच्छा होता भी है, कुछ सीटें भी आती हैं, तो जिससे अलायंस होगा, गठबंधन होगा UPA NDA। बड़ी बात यह है कि 2018 से सरकार बनी है, SCP का जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उसका पैसा जो केंद्र द्वारा आया और यहाँ की सरकार ने उस पैसे का क्या यूज़ किया, हम वो श्वेत पत्र भी चाहते हैं सरकार जारी करे और बताए कि उन्होंने उस पैसे का क्या किया, क्या दलित समाज आदिवासी समाज के हितों के लिए उसको कहाँ लगाया, और अगर नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। तो यानी कि इनकी उदासीनता का जो रवैया है ये इन वर्गों की तरक्की को रोकने वाला है, और ये इस पर हम लोग जो हैं अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, और भविष्य में जो होगा सीटें आना आगे बढ़ना ये पार्टी का यहाँ का फैसला होगा, उनके हम हर फैसले के साथ हम लोग खड़े होंगे। लेकिन सच ये है कि इन निकम्मी सरकारों से अब हमारे लोग सावधान होना हो जाना चाहिए, इनके भरोसे इनको वोट देके SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने वोट देके सरकारें बनाई थी, आज उन्हीं वर्गों की अनदेखी हो रही है, उन्हीं समाज के कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है, और जो कर्मचारी जो है इनके हिसाब से काम करना चाहिए उन्हीं को अवसर मिल रहा है। ये अन्याय जो है ये पूरा राजस्थान और देश भी देख रहा है, जितनी अनटचेबिलिटी यहाँ है, घोड़े चढ़ने पर, मुँह से रखने पर हत्या होती है, मट्टी छूने पर हत्या होती है, इस अन्याय को रोकने के बजाय, क्योंकि अपराध को छिपाने से नहीं, अपराध को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से अपराध होता है, ना कि छिपाने, सरकार और बीजेपी विपक्ष मिलकर छिपा रहा है। इसलिए इंद्र मेघवाल का परिवार डर के साए में, वो आना चाहता था मगर उसको आने नहीं दिया पुलिस ने, और जितेंद्र मेघवाल के भाई हमारे साथ हैं उनको लगातार धमकी मिल रही है, उनको लाइसेंस ना देना, उनकी मांग ना पूरी करना जो समाज की मांग थी, ये स्पष्ट करता है कि सरकार दलितों के प्रति और आदिवासियों के प्रति इनकी जो जवाबदेही है ये उसको कुछ फेल हो चुके हैं, और जनता भी इनका भरोसा नहीं करी, और आज़ाद समाज पार्टी जनता के हितों मुद्दों पर खड़ा उतरने का काम करेगी।